नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेद आचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, वात जनित जितनी भी वेदनाएं या रोग हैं, उनके लिए आयुर्वेद में भी बहुत सारी चीजें मिश्रित की जाती है। मोती, प्रवाल, स्वर्ण, बंग, भरद्वाज चिंतामणि, रसराज रस, अभ्रक भस्म सहस्त्र कुटी, समीर पन्नग रस जैसी 30 से 35 प्रकार की दवाइयां मिश्रित की जाती हैं। उनका प्रयोग करने पर ही व्यक्ति को विशेष फल मिलता है। जैसे गठिया की बीमारी है, आमबात की बीमारी है, कई लोगों को 20-20 साल से, 10-10 साल, 12-12 साल से रहती है, या 6-6 साल, 8-8 साल से रहती है। कई लोगों की उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं, ज्वाइंट्स टेढ़े होने लगते हैं, दर्द बहुत रहता है, सूजन बहुत रहता है, जकड़न बहुत रहती है, उठने बैठने में बहुत ज्यादा समस्या होती है। कई लोगों को वृद्ध सी यानी साइटिका का दर्द होता है, जो कि पुट्ठे से यानी कि हिप ज्वाइंट से चालू होकर पिछले हिस्से से, लोअर बैक से चालू होकर नीचे घुटने के नीचे तक, बहुत नीचे तक भी जा सकते हैं, घुटने तक आ सकते हैं, घुटने के नीचे तक जा सकता है। कई लोगों को काप मसल्स में दर्द होता है, कई लोगों को कमर में दर्द होता है, कई लोगों को गर्दन के पास दर्द होता है, जकड़न होती है, कई लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस होती है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होती है, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है, कई लोगों को एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है, जिसमें दर्द के साथ साथ सुन्नपन भी आता है, ठीक है, शून्यता भी आने लगती है, टिम्बलिंग सेंसेशन भी होता है, झुंझुनी जिसे झुंझुनी भी बोला जाता है वो भी आती है, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, दर्द बहुत ज्यादा बढ़ता है, कई बार पसलियों में ज्यादा दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, संधियों में दर्द होता है, गांठों में सूजन आने लगती है, दर्द होने लगता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि वात के द्वारा उत्पन्न होने वाला कोई भी दर्द और सूजन से युक्त जो रोग है, जिसमें नसों में सूजन आ जाती है, हड्डियों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, जकड़न होती है, शरीर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है और नीचे तक दर्द जाता है, या फिर हाथों में दर्द होता है, कंधे में सूजन आती है, जकड़न आती है, सुन्नता आने लगती है, उठाने पर दर्द होता है, पीछे ले जाने पर दर्द होता है, या उठने बैठने में दिक्कत होती है, दौड़ने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, यानी कि चाहे वो गठिया है, चाहे वो साइटिका है, चाहे वो गाउट है, चाहे वो आपका एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, या फिर गर्दन की जकड़न है, कंधे की जकड़न है, यानी जितनी भी वात व्याधियां हैं जो पुरुषों और स्त्रियों को हुआ करती हैं, उनके लिए आपको महीने भर में कम से कम 3-4 हजार रुपए खर्च करना पड़ता है थोड़े से आराम के लिए, और सालों दवाइयां चलती हैं। एक विशेष प्रकार की दवा वैद्यनाथ के द्वारा जो है पेटेंट वैद्यनाथ की मेडिसिन है, उस मेडिसिन का प्रयोग मैंने अपने पेशेंट पे किया, जिनकी उतनी अच्छी मैं बोलूं कि उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, पर थोड़ा अच्छी स्थिति ही थी, यानी कि मध्यम वर्गीय, लोअर मिडिल फैमिली से रिलेटेड थे, और साथ में गरीब वर्ग भी इस मेडिसिन को लेने के लिए इच्छुक था कि चलिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज्यादा पैसा लग चुका है, ये तो फिर भी बहुत सस्ती है, ठीक है। और उस मेडिसिन में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सारी कास्ट औषधियां, चाहे अश्वगंधा हो, चाहे चोप चीनी हो, चाहे कुशला हो, चाहे कड़वी तोरई हो, चाहे कितनी भी बात नाशक चीजें मिली हुई हैं, साथ में लोह भस्म, अभ्रक भस्म, सोने की भस्म, ऐसी बहुत ही बहुमूल्य भस्म मिलाई गई है और कैप्सूल फॉर्म में तैयार किया गया है। मैंने अपने पेशेंट का उपयोग किया और मैंने देखा कि पेशेंट्स को बहुत आराम मिल रहा था, और कई पेशेंट ने 5-6 महीने, 7-8 महीने दवाइयां चलाई तो गठिया से मुक्त हो गए, ठीक है, संधिवात से, ऑस्टियोआर्थराइटिस से मुक्त हो गए, उसके बाद स्पॉन्डिलाइटिस से मुक्त हो गए, कंधा जाम में भी विशेष आराम मिला, और लकवे की कंडीशन में भी बहुत आराम मिला, साथ ही साथ फेशियल पैरालिसिस, जिसमें मुंह टेढ़ा हो जाता है, उस फेशियल पैरालिसिस में भी बहुत आराम मिला, और व्यक्ति पूर्णता भी ठीक हो गए, और अभी जिन पेशेंट को दे रहा हूं 2-3 महीने में 50-60% तक रिलीफ मिल रहा है, और बहुत लंबा जो 12-15 साल 20 साल से परेशान है, उन पेशेंट को 1 महीने में 10-15% रिलीफ मिलता है। दोस्तों, मैं बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं करता, इसलिए बिल्कुल सच्चाई आपके सामने है,
ज्यादा लंबे समय से है तो आपको 7 से 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने तक प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप 12-15 साल से पीड़ित हैं किसी वात व्याधि से, और यदि आप 6-7 साल से पीड़ित हैं तो मुश्किल से 6-7 महीने 8 महीने में आपकी जो रोग है वो ठीक हो जाएगा। और यदि आप 2-3 साल से पीड़ित हैं तो मुश्किल से 5-6 महीना लगेगा, आपका रोग ठीक हो जाएगा, बशर्ते इसका प्रयोग करें। इसके साथ साथ बाह्य जो मैं चीजें आपको बताऊं उसका प्रयोग करें। तो चलिए दोस्तों, आप डिस्क्लोज कर ही देते हैं इस बहुत ही अच्छा प्रभाव, अच्छा रिजल्ट देने वाली औषधि को, जो कि वैद्यनाथ के द्वारा पेटेंट है। वैद्यनाथ ने अपनी पेटेंट मेडिसिन के रूप में इसको स्थापित किया है और लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है, और मैं खुद प्रयोग कर रहा हूं अपने पेशेंट पर, मेरे घर में भी प्रयोग होती है और मेरे पहचान के लोगों में भी, मैं उन्हें सलाह देता हूं कि इसका प्रयोग करें और उनको बहुत फायदा मिल रहा है, तथा उनकी तरफ से शुक्रिया भी मुझे बहुत मिलता है। मेरे पेशेंट से भी मुझे बहुत शुक्रिया मिलता है कि सर बहुत पैसा खर्च किया पर ये औषधि यदि पहले मिल जाती तो हमारा पैसा बच जाता। तो चलिए डिस्क्लोज करता हूँ इस औषधि को। इस औषधि का नाम है रूमार्थो गोल्ड कैप्सूल। रूमार्थो गोल्ड वैद्यनाथ द्वारा निर्मित है कैप्सूल। रूमार्थो गोल्ड कैप्सूल फॉर्म में आता है, ये पैक है दोस्तों, कोई पैक प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ आप लोगों को फायदा देने के लिए, ताकि आपको फायदा मिल सके, और ना ही वैद्यनाथ ने मुझे कोई पैक दिया है। मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ, उसी में से एक पैक उठाकर उसका रिव्यू आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। कोई पैक प्रमोशन मैं नहीं करता और मैं अपने पेशेंट को फ्री में जानकारियां देता हूँ, तो ध्यानपूर्वक देखिए। ये है रूमार्थो गोल्ड, रूमार्थो गोल्ड, ठीक है। इसमें 30 कैप्सूल्स होते हैं दोस्तों, 30 कैप्सूल्स, और उनका जो प्राइस होता है वो 630 रुपए होता है। तो दोस्तों ये 630 रुपए का है, आपको बहुत ज्यादा छूट पर और आसानी से ये दुकानों पर नहीं मिलेगा, ठीक है, आसानी से तो मिल ही नहीं सकता और छूट भी नहीं मिलती। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजन द्वारा एक लिंक डाल दूंगा, और भी आगे जो दवाइयां बताऊंगा उनकी भी लिंक डाल दूंगा, उस पर आपको सस्ते रेट में ये चीजें मिल जाएंगी, और महीने भर में 2-3 पैक आपको लग जाने हैं, तो उसमें इकट्ठे 2-3 पैक वो लोग भेजते हैं और आपको बहुत छूट पे ये पैक मिल जाते हैं, तो वहां से आप बुलवा सकते हैं, आपको आसानी से घर बैठे दवा मिल जाएगी। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, बाय का बटन दबाना है और आप तक दवा बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, और बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही आसानी से। तो वहां से आप बुलवा लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उस पर सिर्फ आपको क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका जो मूल्य है वो है 630 रुपए, 30 कैप्सूल्स इसमें होते हैं। दोस्तों मैं यदि कहूं कि इसका जो एक कैप्सूल में जो दवाइयां मिलाई गई हैं, यदि आप उसकी गणना करें तो इन्होंने तो अपना जो कैप्सूल है वो करीबन 21 रुपए का एक कैप्सूल इनका पड़ रहा है, परंतु यदि कोई वैद्य या कोई डॉक्टर भी इसको बनाए और थोक रेट में भी ले वो दवाइयां जो इसमें मिलाई गई हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि कम से कम 50 रुपए का एक कैप्सूल पड़ेगा। 50 रुपए से कम का एक कैप्सूल नहीं पड़ेगा जो दवाइयां इन्होंने इसमें मिलाई हैं। तो आपको कम से कम एक चीज समझ लीजिए कि महीने भर की जो दवा है, यदि इस प्रकार की दवा बनाई जाती है तो 5-6 हजार रुपए की एक महीने की दवा पड़ेगी और बहुत ही फायदेमंद रहेगी। तो ये बड़े सस्ते कैप्सूल्स उन्होंने दिए हैं, पर उपयोगी बहुत ज्यादा है और बहुत कीमती दवाइयां मिलाई गई हैं। तो दोस्तों इसमें मिलाया क्या क्या गया है, सबसे पहले पैक को खोल लेते हैं। ये इस तरीके का अंदर एक शीशी निकलेगी, ठीक है, और सबसे पहले तो रैपर देख लेते हैं भाई कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है। दोस्तों इसमें एक कैप्सूल में इन्होंने मिलाया है, इन्होंने लिखा है कि आजकल खान पान के तरीके बदल गए हैं, चटपटे व मसालेदार व्यंजन ज्यादा पसंद किए जाते हैं और इसके कारण 70% लोग जोड़ों के दर्द की तकलीफों से परेशान रहते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथानुसार जब शरीर में वात दोष बढ़ जाता है तब कठिन वात रोग जैसे जोड़ों का दर्द, साइटिका इत्यादि व्याधि हो जाती है और लोग रोगग्रस्त हो जाते हैं। इन्होंने इसमें जो घटक मिलाए हैं उसके इन्होंने गुण भी दिए हैं। इन्होंने इसमें अश्वगंधा मिलाया है जो कि जोड़ों के दर्द के तकलीफ में और बर्निंग सेंसेशन होता है, कई बार जलन होती है, तो उसको दूर करने में उपयोगी है। सुरंजान कड़वी मिलाई है इसमें जो कि वात रोग से संबंधित दर्द व सूजन कम करने में सहायक होती है, इन्होंने लिखा भी है, ठीक है, सिंपल इसके गुण लिख दिए हैं, बाकी तो वैद्य ही बताएगा आपको। कुचला कठिन वात रोग से संबंधित तकलीफें जैसे कि वेदना यानी दर्द, जलन होना, सूजन होना आदि दूर करने में सहायक है। चोपचीनी जोड़ों के दर्द से संबंधित तकलीफें दूर करने में सहायक है।
रुमार्थो गोल्ड प्लस कैप्सूल में डाले गए भस्म जैसे कि बंग भस्म बहुत ताकत देती है शरीर में, ताकत ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है और शरीर को ताकत प्रदान करती है, अंदर से रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। लोह भस्म खून की कमी को पूरा करती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखती है, ब्लड प्रेशर को सही रखती है, तो आपके अंदर ताकत पैदा होती है और दर्द भी कम होता है और नसों की सूजन भी खत्म होती है। स्वर्ण माक्षिक भस्म, आपका सिर दर्द हो रहा है या फिर आपके शरीर में भारीपन महसूस हो रहा है या फिर आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं उसके कारण दर्द पैदा हो रहा है, तो इसमें बहुत लाभदायक है। अभ्रक भस्म, इसमें पाचन बहुत अच्छा रहता है, साथ ही साथ शरीर में जो वात बढ़ती है इसके कारण दर्द सूजन कमजोरी जकड़न आदि आती है उसको भी ये कम करती है। तो ये सभी चीजें जो हैं बहुत ही अच्छी चीजें इसमें मिलाई गई हैं और विशेषता स्वर्ण भस्म मिलाई गई है। उसका महत्व इन्होंने बताया कि स्वर्ण भस्म के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है एवं संधियों में जोड़ों में दर्द और सूजन के फैलाव से बचाव में सहायता होती है। तो स्वर्ण भस्म का विशेष महत्व क्या है कि दर्द भी कम होता है, जो जोड़ फैलने लगते हैं टेढ़े होने लगते हैं उससे भी बचाव होता है, साथ में शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है यानी आपके शरीर में खुद इतनी क्षमता पैदा हो जाती है कि बड़े से बड़े रोगों से लड़ सके शरीर, और जब शरीर खुद क्षमतावान होता है लड़ने से तो दवाइयां ज्यादा अच्छे से काम करती हैं और व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाता है। स्नायु को बल प्रदान करता है, आपके टेंडन से लिगामेंट्स को बल प्रदान करता है, कई लोगों के लिगामेंट्स टूट जाते हैं तो कई लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है, कई लोगों को स्प्रेन हो जाता है, उसमें बहुत फायदेमंद है। साथ ही साथ ईएसआर इससे कम होता है, ईएसआर यदि बढ़ने लगता है तो इससे कम होता है। तो इन्होंने बोला कि कठिन बात रोगों में दर्द व दाह को दूर करने में सहायक, पुराने जोड़ों के दर्द से संबंधित तकलीफें, दाह वेदना सूजन आदि दूर करने में सहायक है। इन्होंने बोला कि एक एक कैप्सूल दिन में दो बार पानी के साथ लें या वैद्यकीय सलाह से लें। तो ये इन्होंने सामान्य इसमें ये चीज बता दी है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैप्सूल किस तरीके का निकलता है। ये इस तरीके की डब्बी निकलेगी, ये डिब्बी निकली इस तरीके की रुमार्थो गोल्ड की, ठीक है, रुमार्थो गोल्ड प्लस है ना ये नाम इसका, और इसके अंदर ये इस तरीके का कैप्सूल निकलता है। ये निकला इसके अंदर ये इस तरीके का कैप्सूल। तो दोस्तों इस तरीके का ये कैप्सूल रहता है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि दोस्तों यदि आप मध्यम वर्गीय हैं तो केवल रुमार्थो गोल्ड का प्रयोग करने पर ही आपको आपकी गंभीर बीमारियों में इतना फर्क मिल जाएगा, जड़ से चीजें खत्म हो जाएंगी, आप इसका ही प्रयोग कर लीजिए। यदि आप थोड़े अच्छे परिवार से हैं, थोड़ा सक्षम हैं, तो मेरे हिसाब से आप यदि मध्यम वर्गीय हैं या निम्न वर्गीय हैं पैसे के हिसाब से, तो एक कैप्सूल आप सुबह शाम लीजिए, खाने के एक घंटे बाद एक कप गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिला लीजिए यदि डायबिटिक नहीं है तो, और यदि डायबिटिक है तो केवल गुनगुने पानी से लीजिए, और यदि आप सक्षम हैं तो दो कैप्सूल सुबह दो कैप्सूल शाम आप इसका सेवन करिए, और एक कप पानी में एक चम्मच शहद यदि आप डायबिटिक नहीं है, या यदि आप डायबिटिक हैं तो शहद मत मिलाइएगा, और डायबिटिक हैं तो महारासन आदि काढ़ा भी नहीं मिलाना। तो एक कप गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद यदि आप डायबिटिक नहीं हैं और चार चम्मच महारासन आदि काढ़ा डावर या वैद्यनाथ का आप उसमें मिला लीजिए, और सुबह शाम खाने के एक घंटे बाद आपको इसका सेवन करना है दोस्तों। तो इसमें चूंकि 30 कैप्सूल निकलते हैं तो चार कैप्सूल यदि आपका एक दिन का लगा तो आपको हफ्ते भर की ये दवा 630 रुपए की पड़ रही है। इस प्रकार आप चार हफ्ते की दवा यदि लेते हैं तो 24-25 रुपए करीब पड़ती है, और अमेजन से यदि आप खरीदते हैं बहुत सस्ती पड़ जाती है। पर यदि आप मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय हैं तो एक एक कैप्सूल ही लीजिए, आपको 15 दिन ये पूरा एक पैक हो जाएगा, दूसरा पैक में आपका महीना भर पूरा हो जाएगा। उसके साथ महारासन आदि काढ़ा यदि ले सकते हैं तो ले लीजिए, अन्यथा केवल गुनगुने पानी के साथ और शहद के साथ ही सेवन कर लीजिए। यदि महारासन आदि काढ़ा ले सकते हैं तो चार चम्मच महारासन आदि काढ़ा भी गुनगुने पानी में मिलाकर एक कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ सेवन कर लीजिए। और दोस्तों बाह्य प्रयोग के लिए आपको महाविष्गर्भ तेल लेना है, उसको थोड़ा सा गुनगुना करना है, हल्का गर्म करना है, और जहां पर आपको दर्द रहता है उसके नीचे 10-15-20 अंगुल ऐसे नाप लीजिएगा ऊपर तक और नीचे तक, 10-15-20 अंगुल नीचे तक, और उस जगह पर वहां से मतलब ऊपर से नीचे तक इतना शुरू करिए और 15-20 मिनट तक अच्छे से मालिश कर लीजिए, 20-25 मिनट तक अच्छे से मालिश कर लीजिए सुबह शाम रात, और दशांग लेप
दशांगलेप एक चूर्ण आता है, मैं उसकी लिंक भी यहाँ पे डाल दूंगा। तो दशांगलेप मैं थोड़ा सा, एक चम्मच दशांगलेप या दो चम्मच जितना वहां पे आपको पूरा हो जाए, दशांगलेप में थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। जैसे एक चम्मच दशांगलेप लिया तो उसमें दो चम्मच पानी मिला लीजिए और उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। जब खदखदा लेप सा बन जाए, पतला बना लीजिए, उस मालिश करने के बाद पतला पतला लेप लगा लीजिए। जहां भी आपको दर्द है, हाथ में है, कंधे में है, पैर में है, पीछे की तरफ है, जहां भी है लगा लीजिए और लगा रहने दीजिए एक दो घंटे तक, अपने आप वो निकल जाएगा। ऐसा सुबह शाम रात आपको बाह्य प्रयोग करना है। साथ में रुमार्थों का आपको सेवन करना है, रुमार्थों गोल्ड प्लस कैप्सूल का सेवन करना है। दोस्तों विश्वास दिलाता हूं कि इस औषधि का प्रयोग करने पर आपको निराशा नहीं मिलेगी, बल्कि आपको जादुई असर मिलेगा। एक ही माह में यदि आप बहुत कम समय से पीड़ित हैं तो 20-25% तक आराम मिल जाता है, और सिंपल दर्द में तो एक ही महीने में पूरा रोग खत्म हो जाता है। परंतु 15-20 साल से परेशान है, 7-8 महीने प्रयोग कर लीजिए धीरज से, आपको पूरा आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों विश्वास करता हूं आप जरूर इसका प्रयोग करेंगे। और इस औषधि को लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई अमेजन की लिंक पर, और जो जो औषधियां बताई वो भी साथ में प्रयोग करते हैं तो सोने पे सुहागा होगा। तो अमेजन की लिंक, उन औषधियों की भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से वो लिंक लेकर आप दवाइयां बुलवा लीजिए। उन लिंक पर क्लिक करिए, वहां पे वाय का ऑप्शन आ जाएगा, साइट खुल जाएगी, वाय पर दवाइए, आपके पास आसानी से घर बैठे दवा पहुंच जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप दवा बुलवा सकते हैं और आपको पूरा फायदा मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, रामबाण दवा है, अचूक दवा है, बेहतरीन दवा है, उत्कृष्ट दवा है। ये जो पेटेंट औषधि है वैद्यनाथ की, बहुत अच्छी साबित हुई है, 100% सफल साबित हुई है। मेरे सैकड़ों पेशेंट को इससे लाभ हुआ है। तो दोस्तों जरूर इसका प्रयोग करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में व्हाट्सएप ग्रुप पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा मिल सके। अकेले आप इसका फायदा ना उठाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा तो पुण्य आपको भी मिलेगा। मैं आपकी भलाई के लिए फ्री वीडियोस बनाता हूं, आप तो इतना कर ही सकते हैं दूसरों की भलाई के लिए कि मेरे वीडियो की लिंक या मेरा वीडियो शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्किल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही अच्छे वीडियोस मैं हमेशा अपलोड करता हूं। अचूक नुस्खे, सफल, सरल और अनुभूत जो सैकड़ों मरीजों पर प्रयोग करता हूं वो नुस्खे अपने वीडियोज में डालता हूं, तथा लाइव क्लिनिक सेशन भी आयोजित करता हूं। तो दोस्तों इन सबकी नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके इसके लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, और नोटिफिकेशन आइकॉन, बेल आइकॉन, घंटी का निशान जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों यदि आप मुझसे दवाइयां बुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहां स्क्रीन पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। गंभीर से गंभीर बीमारी और किसी भी प्रकार की बीमारी की दवा आप मुझसे बुलवा सकते हैं। विश्वास दिलाता हूं कि आपको पहले ही माह से फायदा मिलना प्रारंभ होगा। उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि यहां पे दिया हुआ है, उस पर अपनी सारी समस्या, नाम, नंबर, पता, पिन कोड, दिक्कत क्या क्या है, रिपोर्ट की फोटो व्हाट्सएप करनी पड़ेगी। मैं आपको मैसेज करूंगा, मुझे कॉल करें, तब आप मुझे कॉल करें, फिर बताऊंगा कितने माह दवा चलानी है, एक माह की दवा की कीमत क्या होगी। वह कीमत एडवांस पेमेंट कर देने पर आपको दूसरे दिन दवा भेज दी जाती है। आपको दवा भेजूं तब आप पैसा दें, ये सुविधा उपलब्ध नहीं, इसलिए आपको एक दिन पहले ही पैसा जमा करना पड़ता है तभी दवा भेजी जाती है। तो ये है प्रोसीजर दोस्तों, कैश ऑन डिलीवरी की डिमांड मुझसे ना करें। तो आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपको कोटिशा धन्यवाद, आपका कोटिशा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सफल रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, सरल रहें। थैंक यू सो मच।